नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में 23 जुलाई है भैया, आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। चलिए जानते हैं सन्नी भाई की दुकान पे। जैसे अपना शिमला मिर्च की गाड़ी आई, ये जो है हिमाचल की फूल गोभी की गाड़ी आई, और इनके पास ही आती है दोस्तों अरबी, जो अपना लोकल उत्तर प्रदेश की आती है। घिया की गाड़ी आई ये जो है, और खीरा आया, और इसके बाद ये है फूल गोभी जो है हिमाचल वाली। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। संजय भाई साहब जी, कैसे चल रहे सब्जी के लात, कैसी पोजीशन चल रही जी, बिक्री कैसी चल रही? शिमला मिर्च बताओ पहले, कहाँ कहाँ की, किस एरिया की कितनी आ रही है शिमला मिर्च? अब जो आ रही है नासिक आ रही है। अच्छा जी। और सांगली आ रही है। नासिक यानी महाराष्ट्र ही है जी? बस। हाँ जी। अच्छा, ऊपर अपना इधर हिमाचल होगी। अच्छा, हिमाचल से कितने आपका आई जी? हिमाचल पूरा माल है। अच्छा जी, लोकल बिल्कुल खत्म? लोकल खत्म है जी। अच्छा जी। अच्छा, लोकल तो सब लोग किसी को पूजा पाठ के दर्शन करने के लिए चाहिए। हाँ, लोकल अब नहीं है, अब लोकल वही थोड़ा बहुत है, अब खत्म ही हो चुका है। अच्छा जी, लोकल खत्म है। ठीक है जी। तो आज के नासिक कौन सी है जी? इसमें नासिक की गाड़ी खत्म हो गई, बिक चुकी है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये सांगली है जी? ये सांगली है। तो आज के इसके सांगली वाली के क्या बाजार चल रहे जी? सांगली का जो बाजार है आज का 44 से 46 रुपए। 44 से 46 रुपए। मैं 70-75 वाले जोन से छोड़ के गए थे हम, सब जा लिए जी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा जी। आप 8-10 दिन में आए हो ना? हाँ, ज्यादा लग गए, 12 दिन ज्यादा लग गए ना। हाँ जी। शिमला का रेट डाउन हो चुका है, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी। अच्छा जी। बारिश का फर्क है। नासिक वाली जी भाई साहब जी? नासिक का भी यही बाजार है जी। नासिक का भी यही 44 से 46 रुपए। और जो अपने पास हिमाचल आ रही जी? हिमाचल का बाजार जो है समझो आप 30 रुपए से लेके और 50 रुपए तक है। ये तो बड़ा डिफरेंस है जी, क्योंकि उसमें हर टाइप का माल है। अब जो दागी है छोटा माल वो सब बिक रहा है 30, 32, 35। अच्छा जी। जो बढ़िया है वो बिक रही है 45, 50, 52। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि हिमाचल में जो डॉलर सिम ला रही है वो बिक रही है 50, 52, 55 की। ठीक है। बाकी जो बढ़िया है वो 40 से 45, और जो हल्के हैं वो 30, 32, 35। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हल्का माल का कोई रेट ही नहीं है। और जो नासिक से और क्या सौदा रहा है इन गाड़ी? नासिक से ये आया हुआ है, देखो आप, ये पीली अचारी आई हुई है। ओमेगा बोलते हैं इसको? ओमेगा बोलते हैं, लेकिन ओमेगा है नहीं, ये लंबी मोटी ज्यादा है। हाँ, मोटी ज्यादा है ये। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। तो इसको क्या, इसके क्या बाजार चल रहे जी? अब इसका बाजार क्या होगा, इसको 44-45 बोल रहे हैं लेकिन बिका नहीं है। इसका बाजार वही 40-42 का रहेगा। और जो असली 40, जो असली ओमेगा पतले वाली, असली ओमेगा पतली, ओमेगा पतली वाली जो है वो लोकल में आ रही है, वो बिक रही है वही 20-22 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा, वो लोकल में आ रही है। और हिमाचल से क्या माल आ रहा है इसके अलावा, शिमला मिर्च के अलावा? हिमाचल से अभी तो यही आ रही है। अच्छा जी। हिमाचल के अलावा तो माल आ रही है काफी, जैसे बीन है, मटर है, लेकिन अपने पास तो फिलहाल नहीं आ रही है। गोभी आज आई है लाहौल स्पीति वाली, लाहौल स्पीति की जी। हाँ जी। अच्छा जी। जो इसमें बढ़िया था, हाँ जी, वो तो बिकी है 40 रुपए की, 42 रुपए की। जो हल्के हैं ये जितना देख रहे हो आप, ये सब हल्की है। अच्छा जी। हाँ, जो हल्की है इसका बाजार वही रहेगा, ये 20 रुपए से लेके और 30 रुपए के बीच में बिकेगा। हल्की का मतलब रगड़ लग गई है? रगड़ रगड़ पड़ने, एक ऊपर ठंडा नीचे गर्म है। अच्छा जी। तो गर्म तो होगा ही, और जैसे ही गर्म हुआ है दागी पड़ जाती है। इनको भी शिमले वालों की तरह पत्ते तोड़ के भेजना चाहिए भाई साहब? नहीं, ये तो पत्ते कट के आते हैं ना। नहीं, पत्ते समेत आनी चाहिए। पत्ते समेत आने में इधर डब्बे में नहीं आ पाता ना। अच्छा जी। वो तो बोरियों में आती है पत्ते समेत, वो थोड़ी सूखी रहती है, और ये तो एकदम से ऊपर से आ रहा है ना, पूरे बर्फ से आ रहा है। तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से है। ठीक है जी। आने में भी टाइम लगता है थोड़ा। ये तो बड़ी शानदार की है। ये अपनी है, रायपुर वाली है। ये पन्नी में? पन्नी में। इसका क्या बाजार चल रहा है? इसका बाजार जो चल रहा है 12-13 रुपए। 12-13। और ये डब्बे में? डब्बे वाले का बाजार चल रहा है 14-15 रुपए। ये कहाँ की? ये नासिक है। अच्छा जी। और वो देखो, एक वो भी रायपुर है, वो उधर वो बिक रही है 7 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, जिसकी बीन बनती है जी वो। हाँ, वो 6, 7, 8 रुपए बिक रही है वो। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा भाई साहब खीरे की क्या रिपोर्ट है जी? खीरा आज हाइब्रिड खीरा का बाजार टाइट है। हाइब्रिड खीरा जो बढ़िया बिकी आज 15 से 16 रुपए बिकी है। अच्छा जी। अच्छा। और अपना जो सीडलेस खीरा है, सीडलेस खीरा का बाजार 38-40 रुपए। 38-40। चलो, ये खीरे टिके हुए वहीं पर। खीरा का बाजार आज है, क्योंकि मंडी में आज खीरा कम है। अच्छा जी। हरी तीखी मिर्ची आ रही है? तीखी मिर्ची अपने पास आई थी, 30-40 गट्टे आए थे। तीखी मिर्ची बिकी है 25 रुपए से 30 रुपए के बीच। कहाँ वाली जी है? ये सब यमुनानगर संभल। अच्छा जी। हाँ जी। और ये अरबी की गाड़ी का क्या रेट चल रहा है? अरबी चल रहा है, लोकल अरबी है अपनी, ये बेवर साइड की अरबी है। हाँ जी। इसका बाजार 38-40 रुपए। यानी जो भी सामान है सारे को बेच देंगे जी? हाँ जी, सामान तो सारा बेचने के लिए होता है। अच्छा जी। अच्छा, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद राणा जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है सन्नी भाई के, ये मोबाइल नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल शिमला मिर्च और खीरे का काम है, बाकी तो
जो मर्जी है सारी सब्जी बेच देते हैं। चलिए दोस्तों, भाई साहबों से भी पूछ ले बैंगन के क्या बाजार चल रहे मंडी में आजकल, कहाँ कहाँ के बैंगन। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आड़त की रिपोर्ट दे दो, मंडी में कहाँ कहाँ के माल आ रहे, क्या रेट चल रहे जी? सहारनपुर ही चला सर, कंचन ये कंचन सहारनपुर। अच्छा जी, इसके क्या बाजार चल रहे जी? आज भी क्या 500 500 550। क्या बात, हो 800-900 वाला बाजार? बाजार नहीं रहा ना, हर चीज का सौदा बाजार गिरा आपको पता है। अच्छा जी, हर चीज का बाजार गिरा है, हर चीज का बाजार गिर लिया जी। 500-550 रुपए टॉप क्लास है, टॉप क्लास वजन वही 30 किलो 30 रुपए। और ये बैंगन कहाँ का आ रही है सर? ऐसे ये क्या आया, ये राजस्थान टाइप साइड का आया है। इसका क्या बाजार चल रहा जी? सर ये 11 रुपए बीका है, 11 रुपए किलो। बैगन उतना वो चीज नहीं है जो सर, सुपर बैगन ही होता है, सुपर कंचन है जी, वो इतना बढ़िया नहीं है जी। और इसके अलावा चूचू वगैरह भाई साहब जी? चूचू का भी बाजार बहुत पिट गया सर। अच्छा जी, कारण क्यों है जी? कारण सर ये है कि बाजार में हर सौदे का बाजार नीचे गिरा है। अच्छा, आगे उठाव नहीं है, आगे बाजार में जो ले जाते हैं छुटकर ले जाते हैं उसको तो बिकता नहीं है, तो क्या कर, बाजार तो टूटेगा ही। अच्छा जी, माल भी थोड़ा बढ़ गए हैं, माल बढ़ गए जी पहले, और वहाँ से जो तो बरसातें हुई ना, माल आ गया जी, बरसातें माल बढ़ गए हैं, बाजार पिट गया है आगे भी, इस कारण दिक्कत आ रही है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर क्या जी अपना? 7991113171। चलिए दोस्तों, जानते हैं आर के एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। देखो इनके पास ये नासिक की फूल गोभी आई, इसमें दोस्तों जो बढ़िया कट्टे हैं ऊपर के वो अलग रेट में बिकते हैं, जो अच्छे वाले माल है फट्टे लगकर आती है बल्ली लगकर, और जो नीचे के कट्टे हैं जो दागी हो जाएंगे वो पड़े रहेंगे, क्योंकि ये आती है बहुत ज़्यादा दूर से, पर फिर भी मंडी में इसने मार्केट को संभाले हुआ है। अब भी जो है लोग लेने वाले इसको भी ले रहे, ये नासिक महाराष्ट्र की फूल गोभी, और ये जो है हिमाचल की फूल गोभी, और एक डब्बे में जो जैसे दिखाई सन्नी भाई की दुकान पे, इनकी दुकान पे डब्बों में लाहौल स्पीति की वो अलग है जी। इसके अलावा पत्ता गोभी है जी इनके पास, और सारे सामान मिलेंगे। बाकी तो मटर और फ्रांस बीन, मटर फ्रांस बीन का तो 12 महीने का काम है। चलिए जान लेंगे आज की मटर की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल बिक रही है, कैसी चली जी। तोरी भी आई, ये है जी इनके पास, ये गाड़ी है जी जो लाहौल स्पीति की है, फूल गोभी आती है डब्बों में। चलिए जान लेंगे गोपाल बाबू जी से क्या रिपोर्ट रही है। बाबू जी नमस्कार जी। बाबू जी कैसे हालात चल रहे जी सब्जियों के, हिमाचल वालियों के? मटर कितनी आ रही जी आजकल जी? मटर 3-4 गाड़ी खपत है, इतनी गाड़ी थी, 4 गाड़ियाँ थी मंडी में, 3-4 गाड़ी के लगभग पूरी मंडी खपत, 4-5 गाड़ी की है। अच्छा जी, अच्छा हाँ। तो माल ये कहाँ कहाँ से आ रही जी ज़्यादातर इस समय जी? हिमाचल की है मटर, सारी हिमाचल की है। अच्छा जी, किन्नौर की? अच्छा जी, किन्नौर स्पीति दोनों चले हुए। तो आज के कैसे बाजार चल रहे हरी मटर के जी? मटर जो बढ़िया मटर 350-450 दड़ी 5 किलो का रेट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, बस इसी रेंज में ही घूम रहे जी? जो हल्के हैं 250-300 ही बिकी है हल्के माल। अच्छा जी, हाँ जी, वो जो 600-700 खत्म हो गया, अब इतना माल बिकता नहीं, 4 गाड़ी आ रही है, कहाँ बिकेगी। अच्छा जी, अच्छा। इसके अलावा फ्रांस बीन के बाजार जी बाबू जी? फ्रांस बीन 30-40 रुपए के बीच में बिकी है, 30-40 रुपए किलो जी। हाँ जी, ये भी कमा लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये नासिक वाली फूल गोभी जी है? बरसात हो रही है, थोड़ी दागी आ रही है गोभी, ये 600 रुपए से लेके 1200 रुपए तक, 600 से 1200 रुपए की बोरी। हाँ, वजन इसमें 30 किलो निकलेगा पत्ते तोड़? नहीं नहीं, 40-45 किलो वजन है, पत्ते समेत है ना जी वो? हाँ, पत्ते समेत, पत्ते तोड़ के 30 किलो। हाँ जी, और हिमाचल वाली का जी है जो बोरी हो, ये भी बरसात में खराब हो रही है, 200 रुपए से लेके 500-600-700 रुपए तक बिक रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, फूल गोभी जी। हाँ जी, और वो डब्बे में जी, डब्बे वाली 38-40 बिक रही है, 38-40 वो लाहौल स्पीति है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और इसके अलावा जी ये पत्ता गोभी का बाजार है बाबू जी? पत्ता गोभी 1000 रुपए से लेके 1400 रुपए तक, 1000 से 1400 रुपए। जी जी, ठीक ठीक ठीक। नासिक की लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रही जी मंडी में, ये तो नहीं पता होगा जी? नहीं, 10-12 गाड़ियाँ होंगी, ये फूल गोभी की है जी। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी, बहुत थैंक यू। दोस्तों इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, 12 महीने मटर का फ्रांस बीन का काम है जी, बाकी सारी सब्जी आती है। चलिए दोस्तों, इनकी दुकान पे जैसे तोरियों की गड्डी आई, तोरियाँ कहाँ की, कहाँ वाली हैं जी तोरियाँ? आगरा। आगरा, आगरा की तोरियाँ आई, और क्या रेट चल रहा भाई इनका? 8 रुपए 10 रुपए किलो आगरा की जो है प्लेन वाली चिकनी तोरी। इधर इनके पास आया कद्दू, वाह जी वाह, कद्दू बेच रहे, घिया बेच रहे डॉक्टर लेखराज जी। बाबू जी नमस्कार जी। बढ़िया भाई, नमस्कार। कहाँ रहे थे दिन? वो घूमने फिरने निकल गए थे, गर्मी हो रही दिल्ली में, गर्मी हो रही सही कह रहे। ये बैंगनी लंबे वाली जी? ये 7-8 रुपए, 7-8 रुपए। और ये घिया जी है? घिया ये 9-11 रुपए।
9 से 11 रुपए मंदा लिया जी घिया का भी। और ये कद्दू की गाड़ी है जी 6-7 रुपए कद्दू 6-7 रुपए किलो जी। अच्छा जी, और कच्चा वगैरह नहीं आ रहा जी? आ रहा जी बढ़िया, राम के 40-45 रुपए किलो, राम के राम 40-45 रुपए। अच्छा जी बढ़िया। और जो उसके अलावा राम केले के अलावा देसी वगैरह 15-20 बिक रहा है वो जी, महंगा हो गया है। अच्छा मैं 15 महंगे हो गए पहले से। खीरा बिका जी 48 से 50 जयपुर, जयपुर वाला सीडलेस खीरा 48 से 50 रुपए। धन्यवाद भाऊ जी बहुत बहुत। 83-58-15 नमस्कार। चलिए दोस्तों जानते हैं हाइब्रिड खीरे के भी क्या बाजार चले, कहां कहां के माल आ रहे, क्या क्या रेट में चल रहे आजकल, ये भाई साहब से सारी जानकारी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। कहां का खीरा आ रहा भाई साहब जी? है ये एमपी का खीरा आ रहा है जी। अच्छा, इसके अलावा खीरा कहां कहां का है जी टोटल मंडी में? अभी फिलहाल एमपी का आ रहा है और शाहजहाँपुर से देसी आ रहा है। अच्छा जी। और रायपुर की एक आध गाड़ी आ रही है। अच्छा जी, तो इसका ये एमपी वाला क्या रेट चल रहा जी? है सर ये 20 से 22 रुपए चल रहा है। 20 से 22 रुपए, आज माल की शॉर्टेज है। अच्छा जी, जिस वजह से 20 से 22 रुपए चल रहा है। तो कल तक कैसे रेट थे जी वैसे? कल सर, कल भी सुबह, कल दिन में ही शॉर्टेज हो गई थी बाजार में। अच्छा जी, 15-16 रुपए 14 रुपए बिक गया था। अच्छा जी, और रात में भी 15-16 ही चला है, शॉर्टेज के हिसाब से इस टाइम 20 से 22 रुपए चल रहे हैं। 20-22 का है जी। और जो शाहजहाँपुर का जो देसी खीरा रहा भाई? देसी खीरा 18-20 रुपए बिका है। देसी खीरा 18-20 का है। अच्छा जी, फिर वो देसी तो महंगा जाता है जी? से देसी ऐसा होगा, देसी की खपत मतलब प्रोडक्शन कम हो गई है, कम निकल रहा है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है। अच्छा, बढ़िया माल नहीं है जी? बढ़िया माल नहीं आ रहा। अच्छा, टुंडल चाल में आ रहा है। ठीक है जी, और इसके अलावा क्या माल बेच रहे हैं सर? अपने पास फिलहाल अभी खीरा ही आ रहा है, 15-16 टन ही बेच रहे हैं। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर क्या जी अपना? मोबाइल नंबर अपना है जी 9716684847। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। चलिए दोस्तों जानते हैं योगी भाई साहब के पास भी घी है, इसके पास ये घिया भी है, खीरा भी है और भिंडी भी है जी इनके पास। हाँ जी भाई साहब जी, आज का ये भिंडी का क्या बाजार चल रहा है आपके यहाँ? 22 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये कहाँ वाली है जी? है ये लोकल भिंडी है, लोकल। और ये घिया कहाँ की जी है? घिया ये तुम्हारे सजानपुर की है। सजानपुर, इसका क्या बाजार चल रहा भाई? इसका 10 रुपए किलो बिक रही है घिया। ये घिया 10 रुपए। और ये खीरा जी है बड़ा? खीरा बिका है 12 रुपए से चालू किया है। हाँ जी, 15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए किलो बैठ गया। 12 से चालू किया और 20 पे आठ गया, नहीं बाद में तेजी आती चली गई। वाह, गाड़ी देखिए आप। अच्छा, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर क्या जी? 530-520-57। और एक आपके पास बिल्कुल वो कच्चा खीरा आता था देसी, पहले देसी वो चाइनीज? हाँ जी हाँ जी, चाइनीज खीरा बिक रहा है ये 30 रुपए 40 रुपए। मेन काम आपका खीरे का ही है? खीरे का है, मटर का है, अपना सब्जियों का काम है, अपना फूड का है, सारे काम। अच्छा चलिए धन्यवाद भाई साहब। मोबाइल नंबर क्या जी अपना? 99-530-520-57। ये देखो दोस्तों गोभी की गाड़ियाँ कैसी हो गई, जो बाहर से नासिक से गोभी आई ये गल गई। गल करने का मतलब है वहाँ बरसात है, बरसात के कारण और सफ़र है लंबा, ये तो सूखी गोभी है वहाँ से। चलिए जानते हैं कलकत्ते वाले मालों का आज का क्या बाजार चला। हाँ जी भाई साहब जी, जैसे ककोड़ा भाई साहब के पास और ये जो कच्चा पपीता जूस वाला पेठा, हर बंदे को जूस वाला पेठा जरूर पीना चाहिए, जो मोटे बंदे हैं उनको जूस वाला पेठा सबसे बढ़िया है। और कच्चे पपीते की सब्जी, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। और ककोड़ा भी है, कुंदरू भी है, परमल भी है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा साहब, कैसे हो भाई साहब जी? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। कलकत्ते की यानी 1-2-3-4-5 आइटम आ रही जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी अच्छा, इसका ककोड़े के क्या बाजार चल रहे भाई? ककोड़ा जी 36 रुपए से लेकर 40 रुपए। 36 से 40 रुपए। और परमल का भाई? परमल दो क्वालिटी है, एक बिका है 23-24-22। अच्छा, एक बिका है 27-28-26। इससे बढ़िया जी वो 27-28 वाला, ये जो है ये क्वालिटी है। अच्छा जी अच्छा। और ये कुंदरू भाई? कुंदरू बिक रहा है 16 रुपए 15 रुपए। अच्छा जी। और ये कच्चा पपीता? कच्चा पपीता 30 रुपए बिका है। ये सब्जी में ही काम आएगा ये? और ये जूस में, जूस वाला पिट्ठा? जूस वाला भी पिट्ठा ये बिक रहा है 25 से लेके 30 रुपए। 25 से 30 रुपए किलो जी, बस यही आइटम आ रही है अपने पास। चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर ये 9643038930। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं कद्दू का आज का क्या बाजार चला, कद्दू पेठा कैसे कैसे रेट माँ भाई साहब के पास। मेन काम तो इनका गाजर और चुकंदर का है, गाजर चुकंदर मिलेगी 12 महीने इनके पास। ये तो दुली है मेन, तो जैसे बोरियों में है बिना दुली, ये खेतों में से पाड़कर मट्टी के समिति इसको स्टोर में रख देंगे, ये स्टोर में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मट्टी लगी है देखो, सारी गाजरों का मट्टी समीत पाट के जैसे फ्रिज में सब्जी रखते हैं स्टोर में रख देंगे, बाद में इसको धोते चले जाएंगे और जो है मंडी में बेचते चले जाएंगे निकाल निकाल के। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार
इसकी जो स्टोर में सेल्फ लाइफ है कितने कितने महीने की है, कितने महीने रखी रहती है? लगभग 8 से 9 महीने की। 8 से 9 महीने स्टोर में ऐसी रही। जी जी, ये भी और चुकंदर भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, आज के क्या बाजार चल रहे जी इसके? पीली गाजर के, पीली गाजर का रेट भाई साहब 25 से 30 रुपए किलो का है। 25 से 30 रुपए किलो एक नंबर का? जी जी, बाकी तो जैसा माल है उसका जैसा है, मोटा वाला फिर वो 700-800 रुपए कट्टा। अच्छा जी, अच्छा। और टुकड़े का 250-300-400। ठीक है जी, और चुकंदर का रेट भाई? चुकंदर का रेट सर 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक रेट है, इंदौर वाले का। इंदौर वाला जी, अच्छा जी। और ये कद्दू का पता जी इसका? कद्दू का हम तो बेचते नहीं फिलहाल सर, लेकिन इस टाइम 8 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो तक बिक रहा है। 8 से 12 रुपए किलो? जी जी। और ये मिठाई वाला पेठा जी है? मिठाई वाला पेठा भी सर यही 12-14 ये बिक रहा है। ठीक है, लवाई की दुकान खोलनी पड़ेगी फिर, मिठाई की पेठे की मिठाई बनानी पड़ेगी, वो तेज है इस समय। हाँ जी, हाँ जी, 250 रुपए किलो दे रहे दिल्ली में। जी जी जी, कोई नहीं, लवाई की दुकान खोल लें। धन्यवाद भाई साहब। मोबाइल नंबर जी? 9811-54-74-00 सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अमिंदर सिंह भाई साहब के पास। चूचू आया जी, चूचू आया, और टिंडा तो 12 महीने है, टिंडा पापा के नाम से जाने जाते हैं। टिंडा भी है और गुवार फली भी है। आज के क्या रेट है जी? भाऊ जी नमस्कार जी, जय महाकाल। जय महाकाल जी, ये देखिए ये टिंडा है। अच्छा जी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का जी? हाँ जी। अच्छा जी, वो देखिए पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान कहाँ का है जी? वो राजस्थान का ही है। ये पाकिस्तान का ही, मजाक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। ये बॉर्डर से 25 किलोमीटर इधर से है। अच्छा जी, अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर का जी। तो इसका क्या बाजार चल रहा जी? बाजार यही है 40 रुपए किलो। अच्छा जी, और ये जो लखीमपुर खीरी सब 30 रुपए किलो। अच्छा जी, ये 30 रुपए, वो 40 रुपए। और ये ग्वार फली जी है? ग्वार फली 50 रुपए, 40 रुपए, 40-50 रुपए मोटे वाली है जी ये? हाँ। अच्छा जी, अच्छा। और ये बैंगन का बाजार जी? बैंगन का बाजार 10 रुपए किलो। बैंगन 10 रुपए किलो। धन्यवाद भाऊ जी। मोबाइल नंबर क्या जी अपना? मोबाइल नंबर 9911-370-7278। किसान भाइयों को सबको राम राम। राम राम जी। ला खुश लो जी, तैयार बैठा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में हरी तिखी मिर्ची के क्या बाजार चल रहे हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी, कहां कहां की मिर्ची है, क्या पोजीशन है जी। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, क्या आला चल रहे मिर्ची के, कहां तो, कहां की है, और सबसे बढ़िया कहां की है इस समय? इस टाइम बुलडाना आ रही थी, आज 2 गाड़ी है। अच्छा, 5 गाड़ी थी बुलडाना की। कल तो 20 से 30 बिकी, आज भी 20 से 30 रुपए बिक रही है। 20 से 30 रुपए में बाजार आ लिए हल्की है, धागे की शिकायत आ रही है। अच्छा जी, धागे की शिकायत आ रही है। अच्छा जी, पंजाब की आ रही है, बिक रही है 15-16 रुपए पेप्सी जी। अच्छा जी, अच्छा। और ये एक ये रखी जो बिल्कुल तिखी ब्रिकी है, ये लोकल पल्ले में होती, पीछे देखो जी पल्ला। अच्छा जी, अच्छा, का पल्ले का पीछे नहीं, ये रे रे पल्ला। अच्छा अच्छा, वो पल्ले रखे जी। ठीक 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 ठीक, समझ गया जी। बहुत टॉप मिर्ची है ये, 25 रुपए टॉप से टॉप। ये कहां वाली है जी? है ये भी किराना की, किराना की जी। अच्छा, ये सारी किराना है जी? हां जी, हां जी। तो यानी जो वो बढ़िया रेट थे 40 वाले 45 वाले, वो अच्छे दिन चले ये। अच्छा जी, और इसके क्या रेट जी है? ये 13-14 रुपए बिक रही है। ये 13-14? हाँ। ये भी पंजाब पैक है? अच्छा जी, अच्छा। ये नहीं बस हाई शाही, क्या रेट जी? हाई 13-14 रुपए। नहीं नहीं, जो बढ़िया वाली टॉप 30 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। बुलडाना की कल 5 गाड़ियां थी? कल बुलडाना 5 थी, आज 2। आज 2 है, 20 से 30 बिकी कल भी, आज भी 20 से 30। तो बस अब तो बुलडाना आ जाएगी जी? नहीं जी, अभी नहीं आएगी, कपड़े उतर के 2-2 लाख रुपए गाड़ी कट। अच्छा जी, 2-2 लाख रुपए कट लिए। धन्यवाद भाऊ जी। मोबाइल नंबर क्या है जी अपना? मोबाइल नंबर 9910-47-16-98। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाऊ जी। लो जी, मिर्ची में तो बुलडाना वालों के कपड़े करे उतर लिए भाऊ जी, 2-2 लाख रुपए कट के, वो तो अभी आएंगे नहीं जी कई दिन। दोस्तों, धनिया वाले तो अभी नींद में बैठे, इनकी तो बाज भी नहीं निकल रही अभी तो, ये 80 से 100 रुपए किलो कह रहे जी, 80 से 100 रुपए किलो। कन्हैया लाल भाई साहब तो है नहीं, वो तो बेच के जा लिए जो पूरी डिटेल देते। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाऊ जी के पास जो है बैंगन है छोटे बड़ा, और ग्वार फली और करुंदा है। भाऊ जी नमस्कार जी, करुंदे के क्या बाजार चले? 65 रुपए किलो। ये लाल वाला का? ये लाल वाला, लाल वाला जो 90-100 का बाजार था? नहीं भाई, टूट गया। 65-70 रुपए लाल लोकल आ रहा है, जो आ रहा है 40-45 लोकल बिक रहा है। अच्छा जी, भले कहते आ रहा है, तो हरा वाला बिक रहा है 20-22 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। और ये बैंगन जी है? बैंगन बिक रहा है बहुत मद्दा, उसका हो गया 5 से 8 रुपए किलो। 5 से 8 रुपए कहाँ का है जी? है ये राजस्थान का। और ये ग्वार फली? ग्वार बिक रही 40-45 मोटी वाली। अच्छा जी, मखनी आ रही है मीडियम, 80-85 बिक रही है वो, 80-85 का जी। अच्छा जी, बस यही सौदे हैं जी अभी। धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी? 9891-90-90-88।
दोस्तों बात करें पत्ता गोभी की, जो पत्ता गोभी नासिक वाली आ रही दोस्तों, इसका रेट चल रहा 1500-1600 रुपए की बोरी, जिसमें वजन है वही 60 किलो के आसपास, 1500-1600 रुपए की नासिक वाली पत्ता गोभी। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में अरबी के क्या बाजार चले जी, आज के क्या क्या रेट है जी। नमस्कार भाऊ जी, घूमने के लिए चले गए थे जी। घूमने के लिए? हाँ जी। आज आपके बड़े भैया आए थे, बेटा आया था शायद? हाँ बेटा आया था जी। और सुनाओ जी। और ठीक है सर? हाँ जी हाँ जी। कैसे हालात चल रहे जी अरबी के? भाऊ जी बरसात का कुछ माल में मिस्टेक आया, इसलिए बिक रहा है ये 30 रुपए से लेके 34 रुपए तक। 30 से 34 रुपए लोकल वाला है जी? लोकल है ये। अच्छा जी, इसके अलावा कहाँ कहाँ की अरबी आ रही जी इस समय? और ये अरबी तो अभी इटावा से आ रही, करहल से। अच्छा जी। और यूपी मैनपुरी से आ रही है। अच्छा जी। बरुआ सागर भी है, फिरोजपुर भी है। अच्छा जी। 3-4 जगह की अरबी आ रही है ना। तो पंजाब वाली ये क्या रेट चल रही जी? पंजाब वाली भाव जी कल तो 28-30 बिकी, आज 32-33 बिक रही है। अच्छा, कल से यानी अरबी का आज बाजार तेज है? आज कुछ तेज है, कल माल ज़्यादा था, आज माल कम है ना। अच्छा जी। और बाकी यूपी के जो दूसरे इलाके हैं भाव जी, इनके बाजार? इनके बाजार भाव यही बिक रही 32-30, 32-34 ऊपर नहीं, 32-30 रुपये के आसपास। ठीक ठीक ठीक। अरबी के उस बरसात से थोड़ा मिस्टेक हुई इसमें कुछ जी? बरसात तो बरसात है, चलो बरसात भी जरूरी है जी। बरसात जरूरी है। पर बिक्री ठीक है जी इस समय? बिक्री ठीक है, हो जाएगी बिक्री ठीक, सब बिक रहा ठीक। अच्छा जी। अच्छा, सारे किसान आए? और बोली का सिस्टम कब से चालू करोगे? तो बोली हो तो रही है, तो बिकता है और क्या। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर बाबू जी 9899-360-725। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में मशरूम के कैसे बाजार चल रहे आजकल, और बिक्री कैसी, और बेबी कॉर्न है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। बेबी कॉर्न के कैसे बाजार चल रहे जी? बेबी कॉर्न भाई साहब 50 से लेके 70 रुपए तक। एक बार तो इसने भी अपना रंग दिखाया पहली बार जी, उस टाइम थोड़ा माल कम था पीछे। अच्छा जी, ये भी 350-300 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, फसल नहीं आ गई है, अब रेट यही चलेगा। अच्छा, ये कहाँ की है जी वैसे फसल? ये डेना की, सोनीपत। अच्छा, लोकली है जी। अच्छा जी, और मशरूम के क्या हालात चल रहे? बढ़िया, एक नंबर साहब। कल तो बाजार बहुत डाउन था 50-60 का, आज कुछ सुधार हुआ है। अच्छा जी, आज 70 रुपए से लेके 80 रुपए तक है। 70 से लेकर 80 रुपए, कल और ज्यादा डाउन थी जी? कल थी 50-60 रुपए, 70 रुपए, बढ़िया वाली। हाँ जी। और ये ऐसे जो बी ग्रेड के सौदे हैं जी? बी ग्रेड 30-40 रुपए। बी ग्रेड 30-40। और ये जैसे पनियों में आती है जी? ये 20-30 रुपए बिक जाए तो। इतना डाउन आ लिया जी? हाँ जी। ये क्या सावन आ गया ना, साए नहीं है। अच्छा, सावन में साए नहीं होते। ठीक ठीक। साहे कब के हैं जी फिर दोबारा दिखा रहे? अब तो दिवाली के बाद ही लेके चलो आप। अच्छा जी, ये थोड़ा अप डाउन चलता रहेगा, कभी 70 बिकेगी, कभी 100 बिक जाएगी। यानी इनको 90 रुपए से ऊपर ऊपर बिके तब वारा खाती है जी? 100 से ऊपर बिके तो। 100 रुपए से ऊपर, इतने में घाटा है जी इनका? घाटा है जी। चलो, बिजली के भी खर्चे हैं जी बहुत ज़्यादा? खर्चे बहुत है, लेकिन फार्म वालों को कुछ बच नहीं रहा इस टाइम, नुकसान पे जा रहे हैं सारे। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? राकेश खुराना ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9873433032। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज के इंग्लिश वेजिटेबल के क्या बाजार चले। बाजार तो पूरा भरा पड़ा जी सब दुकानों पे, कैसे रेट चल रहे होंगे कई दिन से? नमस्कार भाई साहब जी। साहब जी नमस्कार जी। भाई साहब जी, कैसे बाजार चल रहे कई दिन से, कैसे हालात हैं जी, किस चीज़ में तेजी, किस चीज़ में मंदा, उठाव कैसा चल रहा जी? बाजार तो बहुत ज़्यादा मंदा हो गया, हर एक चीज़ में मंदा हो गया साहब। अच्छा जी। अच्छा जी, कारण? कारण काम पता नहीं क्या हो गया, साया भी खत्म हो गए और ये नवरात्र है उसके वजह से अपना। अच्छा, जो चल रहा है ये। ठीक ठीक ठीक। लाल पीली का क्या बाजार चल रहा जी? लाल पीली का बाजार 120 रुपए है जी। अच्छा, बेंगलोर बढ़िया वाला माल। और ये जो लोकल हिमाचल की आ रही है ब्रोकली, आज रात में 30 रुपए बंद भी है साहब जी। 30 रुपए किलो बंद? बंद भी है। और पहले तो 200 रुपए, 250-250 बिक रहा था, इस टाइम देखो देखो जहाँ भी देखो ब्रोकली, अभी आपको परचून में आपको 40 रुपए किलो में आपको मतलब जितना चाहिए होता है लोगों को देते हैं। अच्छा जी। बहुत मंदा हो गया है। अच्छा जी, और ये लाल सलाद का जी? लाल सलाद 200 रुपए जी। लाल सलाद 200। और हरा सलाद जी? हरा सलाद भी 150 रुपए बिक जा रहा है परचून में। अच्छा जी। अच्छा, और आइसबर्ग का रेट जी? आइसबर्ग भी वही 50 रुपए चल रहा है परचून में, बंद में बिका है 40 रुपए। अच्छा जी, और ये चेरी टमाटर जी? चेरी 200 रुपए है। अच्छा जी, ये 150 है वो 200 रुपए, ये 150 लंबे वाला वो 200 रुपए। और ये सैलरी? सैलरी 70 रुपए बिक रहा है परचून में, 50-60-70 तक। अच्छा जी, और ये पार्सली? पार्सली तो खराब हो गया पार्सली, वैसे जो बढ़िया वाली का रेट 200 रुपए। 200 रुपए जी। और पीली और हरी जुगनी? पीली हरी जुगनी 20 रुपए बंदे में, 30 रुपए परचून में बिक रहा है जी। अच्छा जी। अच्छा, और ये अपना बेसिल? बेसिल का बाजार है 50 रुपए। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा जी अपना ये कुछ नहीं मार्केट में, इस टाइम कुछ रख ही नहीं रहा है, सिर्फ आइसवर और ब्रोकली
मंदा है और वही भरा हुआ है पूरे मंडी में। देखो वहाँ सारी मंडी में बैठे जी। जी हाँ, कहीं नजर नहीं आती थी। पोक्चे का बाजार कैसा चल रहा जी? पोक्चे का बाजार 100 रुपए का बाजार है। पोक्चे ठीक है, अभी इस टाइम लीक हो गया, लीक भी 100 रुपए, पोक्चे भी 100 रुपए चल रहा है। अच्छा, लीक भी 100 रुपए, पोक्चे भी 100 रुपए। चलिए जी, धन्यवाद। बेबी कॉर्न अपना ये बेबी कॉर्न का ये थोड़ा मार्केट ठीक ठाक है इस टाइम। अच्छा जी, 80 रुपए चल रहा है। ठीक है, 300 रुपए वाली के आगे तो कम है जिन्होंने एक बार 3-4 दिन 300 रुपए हुआ था। 3-4 दिन में ही मतलब ऐसा हो गया था मार्केट बहुत ज्यादा, 300-400 बता रहे थे सब। फिर अभी हो गया 80-70 रुपए बिकने लगे दोबारे से साहब। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर साहब जी 90-15-12-64-89, डी ब्लॉक 1382 नंबर दुकान है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में जो मूली गाजर वाला किसान सेट है जहाँ पर लोकल माल आते हैं लोकल वाले, चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल बिक्री कैसी चली। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार राणा साहब। ये मूली कहाँ की है जी? राजस्थान है बाबू जी। ये पलियों में आती है जी? ये हिमाचल की है, हिमाचल की। ये पलियों में हिमाचल की? एक मिनट देख ले जी दोस्तों, हिमाचल की। हाँ, हिमाचल नंबर है जी गड्डी, पलियों में आई मूली है। वाह जी वाह। इसका क्या बाजार चल रहा है जी हिमाचल वाली मूली का? 15-16 रुपए बिक रही है। 15-16 रुपए किलो जो आती है ना पालक पत्ता? हाँ जी। उसकी डिमांड है, इसकी डिमांड कम है अभी। अच्छा जी, अच्छा। वो तो 25-30 रुपए किलो उसका पल्ला बिक रहा है, 700-800 रुपए। अच्छा जी। और इसके अलावा लोकल भिंडी का बाजार जी? भिंडी भाव जी 18-20 रुपए, 22 रुपए, 23। 18-20-22-23 रुपए किलो। और जो लोकल हरी मिर्ची है? लोकल मिर्ची भी 25-26 रुपए किलो जी। और लोकल करेला जी जो पलियों में आता है करेला? करेला भाव जी 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी। और ये भुट्टा मक्की जी है? भुट्टा भाव जी पंजाब का आया था, बिक रहा है 10 रुपए किलो। पंजाब वाली 10 रुपए किलो मक्की है? हाँ जी। इसके अलावा क्या माल आ रहा जी? खीरा आया था, खीरा बिक रहा 13-14-15 रुपए। ये कहाँ वाला जी? इंदौर। अच्छा जी, अच्छा। इसके अलावा ये कद्दू का क्या रेट? जो चक्री हरा कद्दू है ना जी, बिल्कुल हरा जाल वाला? जाल वाला तो नहीं आ रहा अभी। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। 517-695 राकेश कुमार जी। धन्यवाद बाबू जी।